फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशान मिश्रा ऑल इन वन। आज मेरे दादाजी श्री हरिवंशनाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने द्रोणाचार्य के नरसंहार का व्यापक वर्णन किया था। उन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं का संहार कर डाला था और पांडवों की सेना भागने लगी थी। उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और उसके बाद युधिष्ठिर ने उसका क्या उपाय निकाला उसका भी आज मैं वर्णन करता हूँ। आप सुने। भगा कर शत्रु सेना समर शोभित हो रहे थे। 85 वर्ष के द्विज वर्य यद्यपि हुए थे, हुए शीत के सब आकर्ण पर दिखते रहे थे। समर में आज 16 वर्ष की हो गए थे। मैं एक बात और बता दूं आपको कि व्यास जी ने जो लिखा है वैसासी थी पंचक, उसकी कुछ लोगों ने व्याख्या किया है कि 400 द्रोणाचार्य की उम्र थी, लेकिन मैंने उसको 80 और 85 ही उसको माना है। और वह इसलिए माना है कि उस काल के अन्य जो मानक हैं इस पर उपयुक्त बैठते हैं। युधिष्ठिर ने भी जो प्रश्न किया था भीष्म पितामह से कि शतायुरुक्त पुरुष शतवीर से जायते, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आयु 100 वर्ष ही लेकर के मनुष्य जन्म लेता है। और उनके दो सहपाठी भी थे कृपाचार्य और राजा द्रुपद, इसको ध्यान करके मैंने 85 ही माना है। 85 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अनेक राजाओं को पराजित किया, संहार किया और उससे जो समस्या पैदा हुई युधिष्ठिर की सेना में उसको आप सुने। सभी पांचाल कौरव सभी पांचाल कैकेयी चेदिवंशी वीर भागे, सुने गुरु गर्जना गुरु द्रोण के सब धीर त्यागे। कहे राजा द्रुपद यह देख भीषण नाश जीवन किए यह नाश क्षत्रिय लोभ का आसक्त बामन। चलेगा देह तज कर के सुयोधन जब धरा से मिलेंगे कष्ट प्रद परलोक उसको घोर यम से। चलेगा देह तज कर के सुयोधन जब धरा से मिलेंगे कष्ट प्रद परलोक उसको घोर यम से। रहे थे द्रुपद स्वामी एक अक्षौहिणी भीषण बढ़ेले पांडुपुत्रों को किए आगे महारण। छिड़ा रोमांचकारी युद्ध पांडव कौरवों में किए बहुबार भंजित द्रोण ने रिपु व्यूहरण में। हुई मर्दित विलोडित पांडवों की वीर सेना समर से भागते पांचाल भी रुकते कहीं। इस तरह से पांडव सेना भागने लगी। युधिष्ठिर का जो हाल हुआ उसे आप सुने।
गए सब दूर तज कर साथ कुंती के सुतों का नहीं रक्षक दिखाई दे रहा था धर्म सुत का युधिष्ठिर देखते चहुं ओर अर्जुन दिव्य रथ को सुशोभित श्रेष्ठ बानर से दिखा करता सकल को नहीं वह रथ दिखाई दे रहा था धर्म सुत को न था गांडीव का भी घोष सुन पड़ता किसी को नहीं अर्जुन दिखे नहीं सात्यकी भी दिख रहे थे वाक्यों यह सकल राजा विकल चिंता किए थे ये चिंता युधिष्ठिर वीर अर्जुन सात्यकी की पता पाए नहीं वह देर होती जान द्वय की अकेले सात्यकी भेजे गए थे शत्रुदल में हुए यह सोच कर पीड़ित युधिष्ठिर भी चरण में रहे भयभीत राजा लोक निंदा से सदा से इसी से सात्यकी की सूचना वह पाचा इसी से सात्यकी की सूचना वह चाह द्रुत से गई राजा युधिष्ठिर जह बृकोदर युद्ध करते कही उनसे स्वचिंता सब युधिष्ठिर और कहते राजा युधिष्ठिर चिंतित हुए कि न तो अर्जुन का पता चल रहा है न सात्यकी का पता चल रहा है और इधर अनेक राजाओं का द्रोणाचार्य ने भी वध कर दिया ये कैसी विकट परिस्थिति हमारे सामने आ गई है। उन्होंने ऐसी अवस्था में भीमसेन के पास जाकर के अपनी चिंता को व्यक्त किया। त्रिक नामक अग्नि भीमसेन के पेट में कल्पित की गई थी क्योंकि वह बहुत अधिक भोजन करते थे भोजन जल जाता था पचा लेते थे इसीलिए उनको बृकोदर कहा जाता था। मैंने कई बार बृकोदर का प्रयोग किया है और भीमसेन दूसरी तरफ व्यूह के लड़ रहे थे युधिष्ठिर जा करके उनसे मिलते हैं और उनसे जो कहते हैं उसको आप सुने। कठिन कोई नहीं है काज तुमसे तात जग में चले जाओ जहाँ विभत्स सात्यकी है शकट में करो गर्जन करो गंभीर गर्जन कुशल रण में देख उनके करो निश्चिंत मुझको तुम बता कर क्षेम द्वय के। भीमसेन बहुत आज्ञाकारी थे वह यद्य जानते थे कि अर्जुन और श्री कृष्ण का कोई बाल बाका नहीं कर सकता फिर भी उन्होंने उनकी बातों को मान लिया। उन्होंने यद्य बताया उसको आप सुने उन्होंने क्या कहा। कहे तब भीम दोनों कृष्ण हैं आरूढ़ जिस रथ सवारी कर चुके ब्रह्मा वरुण शिव इंद्र उशरथ नहीं भय है दिखाई दे रहा उनको कभी भी गमन फिर भी करूँगा
यदि कहेंगे आप तब भी सुरक्षा भार सारा धर्म सुत काले कातम द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न रहते भूपज युधिष्ठिर को न बंदी द्रोण कर सकते समर में रहूंगा मैं अगर जीवित करें विश्वास मुझ में। अब भीमसेन के प्रवेश की तैयारी होने लगी, रथ को उसी तरह से अस्त्र शस्त्र से भरा जाने लगा और उनको स्नान करा करके उनको प्रसन्न चित्त बनाया जाने लगा। इस तरह से सात्विकी की तैयारी की गई थी, आप उसको भी सुन। चंदन भरे अस्त्र शस्त्रों से कई रातक मधुपान किए, मद से लोचन लाल भीम की विगुणित बल उत्साह लिए, विप्रों से स्वस्त्ययन कराया।